टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की रोमांटिक थ्रिलर मूवी बागी 2 का जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। दमदार स्टंट सीन्स और गानों की वजह से फिल्म पहले ही लाइमलाइट में है। इस हफ्ते की सोलो रिलीज होने का भी फिल्म के मेकर्स पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। मूवी क्रिटिक रतन आदर्श ने ट्वीट कर बागी 2 के वर्ल्ड वाइड 4125 स्क्रीन्स पर रिलीज होने की जानकारी दी है। इसे भारत में 3500 और ओवरसीज में 625 स्क्रीन्स मिले हैं और ये मूवी 45 देशों में रिलीज हो रही है। ऐसे में इन पांच वजह से आप भी थिएटर का रुख कर सकते हैं। पहली वजह, टाइगर का एक्शन। बागी में टाइगर का दमदार एक्शन लोग देख ही चुके हैं। बागी 2 में इसका लेवल और भी बढ़ गया है। ट्रेलर में भी टाइगर खतरनाक स्टंट सीन्स करते नजर आए हैं और फिल्म में स्टंट की भरमार है, जिसके लिए टाइगर ने हांगकांग में मार्शल आर्ट सीखा। वहीं दिशा पटानी ने एक्रोबेटिक ट्रेनिंग ली है। दूसरी वजह, फिल्म की स्टार कास्ट। बागी 2 में रणदीप हुड्डा, मनोज वाजपेयी, प्रतीक बब्बर, दीपक डोबरियाल जैसे मंझे हुए कलाकार हैं, जिनके साथ ही टाइगर दिशा की जोड़ी काफी रिफ्रेशिंग लग रही है। तीसरी वजह, बागी 2 एक रोमांटिक थ्रिलर लव स्टोरी है। रिलीज से पहले टाइगर दिशा के अफेयर की खबरें और ट्रेलर में दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री फिल्म के साथ ही एक्शन का दमदार डोज यूथ को परफेक्ट एंटरटेनमेंट देने का दम रखती है। चौथी वजह, जैकलिन का 1-2-3 सॉन्ग। बागी 2 में टाइगर के एक्शन पैक्ड रोमांस के साथ जैकलिन का 1-2-3 सॉन्ग चर्चा में है। माधुरी पर फिल्माए गए इस गाने को रिक्रिएट किया गया है। भले ही सोशल मीडिया पर जैकलिन को इसके लिए ट्रोल किया गया हो, लेकिन हाल के दिनों में फिल्मों के गाने के रीमेक को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। और पांचवी वजह, साउथ की ब्लॉकबस्टर का रीमेक। भारतीय दर्शकों में साउथ इंडियन सिनेमा का काफी क्रेज है। अक्षय सलमान तक के साउथ के रीमेक को लोगों ने काफी पसंद किया है। उम्मीद की जा रही है कि तेलुगू ब्लॉकबस्टर क्षणम की ये रीमेक भी उन्हें निराश नहीं करेगी। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।